हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपने साइंस के नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग वर्कशीट को हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें। ये आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है और ये हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर दी गई है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो अपनी हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट, तो सभी बच्चे हैंड टू हैंड करेंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है वर्कशीट कराने का, तो सभी स्टूडेंट हैंड टू हैंड इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। 14 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है, ठीक है। आपको टॉपिक जरूर डाल लेना है, जिससे आप लोग कल को अगर अपनी वर्कशीट रिवाइज करो तो आपको पता हो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपने किए हुए। मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेटल की हमने इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, और आज हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी। देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सुजीत सिंह वाले पे वीडियो अपलोड कर दी गई, जिससे आप लोग उसे देखकर और प्राइज वहाँ पे जीत सकते हैं। इसमें देखा है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की। हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्स, ठीक है, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं उनके सोर्स क्या क्या होते हैं। देखिए, आपका जो कार्ड है उससे हमें क्या मिलता है, लैटिक एसिड मिलता है, ठीक है। एसिटिक एसिड आपसे कहाँ, विनेगर में पाया जाता है। आपका एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी जो होता है आपका आंवला में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका सोर फ्रूट्स में, जो खट्टे फल होते हैं उनमें, जैसे लेमन ऑरेंज, इनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो लैटिक एसिड हमने पढ़ा कर्ड से मिलता है, एसिटिक एसिड हमें विनेगर से मिलता है, एस्कोर्बिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, आंवला से मिलता है, सिट्रिक एसिड हमें खट्टे फलों से मिलता है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये कुछ ऐसे एसिड हैं जो आपका कहाँ, लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया, सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बच्चों साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एंटा एसिड में यूज करते हैं, ठीक है। किसमें यूज किया जाता है, एंटा एसिड, मतलब एसिड को कम करने के लिए, जैसे आपका इनो हो गया बच्चों, ठीक है, जो 6 सेकंड में काम करता है, उसमें बच्चों वो एंटी एसिड होता है, ठीक है, वो एसिड को कम करता है। अब नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर मेटल को आप किससे, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, तो बच्चों क्या होगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट अलोंग विद द हाइड्रोजन गैस विच बर्न इनटू अ पॉप साउंड। वो क्या, एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो, मेटल प्लस एसिड को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी इसमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स, एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी कीप्ड इन द मेटलिक कंटेनर्स। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स, वो क्या है, अपने डिफरेंट रेट्स पे वो रिएक्ट करते हैं। जो एसिडिक सब्सटेंस होता है वो हमें मेटलिक कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि आपने देखा हो कि जो हम अचार रखते हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो रिएक्ट करता है, क्या बना देता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देता है, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, बेस के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो मेटल प्लस बेस सेम वही बनेगा जो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सम मेटल रिएक्ट्स विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन, सेम ऊपर वाला हुआ जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें बताना है, नेम सम एसिड एंड देयर सोर्सेज, आपको कुछ एसिड के नाम बताने और उनके सोर्सेज बताने हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं हम इसका, देखिए हम क्या क्या दो दो नाम करके लिखेंगे, ठीक है। मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि नाम बताने हैं कुछ दो, तो हम सबसे पहले दो नाम लिख देते हैं, ठीक है। दो नाम अगर आप लिख दोगे, देखो कभी भी ऐसे पूछा जाता है आप एक नाम मत लिखिए, आप हमेशा दो नाम लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, लैटिक एसिड जो हमें वो किससे मिलता है बच्चों, वो हमें कर्ड से मिलता है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में आप लोग लिख सकते हो कि एसिडिक एसिड, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है आपको, ये विनेगर से मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आंसर नंबर टू पे, ठीक है। आंसर नंबर टू आपका
देखो, वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर इन एल्यूमिनियम अंटिल्स, मतलब कि अचार को हम एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, इसका आपको रीजन बताना। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर मैं इसका आपका आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग लिखोगे आंसर नंबर टू, पिकल्स कंटेन, पिकल्स पे बच्चों क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, एसिड होता है, कंटेन एसिड मतलब सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम उसको उसके साथ रखेंगे विच रिएक्ट विद विद मेटल, ठीक है, सीधा आप इसमें क्या लिखोगे, मेटल। एंड प्रोड्यूस क्या बनाता है फिर वो, अगर आप रखोगे तो वो बच्चों क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, जैसा कि हमने पढ़ा था, जब रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इट विल मेक फूड टॉक्सिक एंड मेक इट अनफिट टू ईट। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो आपका नुकसानदायक होता है अगर आप उसे फिर खाओगे तो। ठीक है, आंसर नंबर टू भी हमारा कंप्लीट होता है। आंसर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों क्या होता है, आपको इसमें देखो इसका आंसर पूरा पूरा आपका दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, ये रहा आंसर नंबर थ्री। तो मैं रफ आपको प्रॉपर बता देता हूँ आपको लिखना कितना है एक्चुअल में और कितना आपको समझना है। देखिए आपका इसमें दिया गया है ये पूरा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर कितना है, तीन। ये कैसे लिखना है आपको, यहाँ से मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। मेटल एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंस रेट, एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट कीप इन मेटेलिक कंटेनर। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ बच्चों आपको इतना सा लिखना है और कुछ नहीं करना ये रिएक्शन तक। ठीक है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बस बच्चों, ये आपका आंसर नंबर थ्री है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका लास्ट दिया गया है इसमें, सडन बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। जब आप बर्निंग करते हो तो आपको जो पॉप साउंड की आवाज़ सुनाई देती है तो वो किस गैस की होती है बच्चों, मैंने अभी आपको पढ़ाया था वो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो आप लिखोगे हाइड्रोजन, आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपकी क्या हुई, हमने पूरे फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ, तो एक से तीन तक, चार तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इसका आपका हाइड्रोजन गैस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं मेन आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या है कि मैंने अपने जो मेरा दूसरा चैनल है सुजीत सिंह, जिसपे मैं मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो डालता हूँ, और आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग डाला उस पर जिसमें मैंने एक गिफ्ट दिखाया है, अनबॉक्सिंग दिखाई है कि आप लोग उसे कैसे जीत सकते हो। उसमें देखो आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको एक गिफ्ट जरूर मिलेगा वीडियो में। ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो से रिलेटेड। अब देखो सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा, ठीक है, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा, ठीक है, डेली करता होगा 10 फ्रेंड के साथ और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है बच्चों, तो डेली वर्कशीट करेगा, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, वीडियो पूरी देखा, तो वो बच्चा जरूर बच्चों सेलेक्ट हो सकता। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं इससे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं और चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पूरी देखें, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करें और डेली वर्कशीट कंप्लीट करें टाइम पे। ठीक है, फिर जैसे ही आपका नाम अनाउंस होगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक मैंने दिया है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका नाम अनाउंस होगा मैं आपके खुद डिलीवर करूँगा मैं उस चीज़ को, और आपके साथ सेल्फी लेके नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा, जो कमिंग संडे है उसमें आपकी नई वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपको लाइव दिख जाएगा कि इस बच्चे ने जीता, और उस वीडियो में फिर दूसरा गिफ्ट आ जाएगा। तो एवरी संडे आपको ऐसे गिफ्ट मिले करेंगे जिससे कि आप लोग इंटरेस्ट लो और अच्छे से पढ़ाई करो।
ठीक है बच्चों, होपफुली आपको वर्कशीट बहुत अच्छी पसंद आई होगी। शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।